नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आपके पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनमें दर्द हो जाता है। महिलाओं को ये ज़्यादा बीमारी होती है प्रेगनेंसी के समय या जो मासिक धर्म होता है उसके समय ये बीमारी ज़्यादा होती है। कुछ महिलाओं को ये परमानेंट होता है, महीने, दो महीने, तीन महीने तक रहता है। ऊंचे हील की जो चप्पल होता है, सैंडल होता है, उसे पहनने से भी ये होता है। या एड़ी में चोट लग जाने के कारण, कोई ईंट चुभ जाने के कारण भी ये दर्द हो जाता है। इसे दिखाने जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे एक बार दवाई देंगे, दो बार दवाई देंगे, उसके बाद कहते हैं कि आपके एड़ी की हड्डी जो है वो बढ़ गई है, उसका ऑपरेशन कराना होगा। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप ऑपरेशन ना कराएं, आप एक बार हमारे इस नुस्खे को ज़रूर अपनाएं और अगर आपको इस नुस्खे से फ़ायदा ना हो तब आप डॉक्टर के ऑपरेशन को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, हमने इस नुस्खे को बनाने के लिए जंगल से आग के फूल को ढूंढ के लाया है। आग, ये आग का फूल होता है, आप देख रहे हैं, ये आप देखने से पहचान जाएंगे। इसके पौधे को भी मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से दिखाऊंगा। ये इसका पत्ता होता है, इस तरीके का मोटा पत्ता होता है, और याद रखें इसका जो फल होता है उसके सूखने के बाद उसमें से रुई निकलता है, आप पहचान गए होंगे, इसे आग कहते हैं। वैसे इसका आयुर्वेद में जो किताबी नाम है वो मदार है, मदार भी कहते हैं इसे। कुछ क्षेत्रीय भाषा में इसे अकौना कहते हैं, आकी कहते हैं, अलग अलग इलाके में इसका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन आप इसे पहचान लें और इसको आप ध्यान से जैसे मैं अभी बताऊं वैसे इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को एड़ी में दर्द होता हो, पैर के एड़ियों में दर्द होता हो, तो क्या करें, ये जो आग का फूल है ये फूल, इसे आप तोड़ लें। मैंने जैसे इसको तोड़ रखा है, ऐसे तोड़ के पानी में उबाल लें, गर्म पानी करके उसमें डाल के और इसे उबाल लें। जब उबल जाए, उबलने के बाद उसको क्या करें, छान के निकाल लें फूल को, फूल को निकाल लें और थोड़ा नॉर्मल हो जाने दें, ज़्यादा गर्म ना रहे। और जब ये नॉर्मल हो जाए तो क्या करें, एक कपड़े में बांध कर इसे आप अपने एड़ी में जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे लपेट लें। या इससे आसान तरीका ये होगा कि जुराब में डाल लें, जुराब में इसको डाल लें उबले हुए को और उसे पहन लें। पहन के आप दिन भर रहें जुराब को, उसके बाद रात में फिर उसे बदल के पैर धो लें। इस तरीके से आप 10 से 15 दिन तक जब करेंगे तो आपके एड़ियों का जो दर्द है, एड़ी के अंदर चाहे वो हड्डी बढ़ने से हुआ हो या चोट लगने से हुआ हो, जिस कारण से भी हुआ हो, आपके एड़ी का दर्द बिल्कुल खत्म होने लगेगा और आप एक दिन बिल्कुल पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। चलने में, फिरने में, दौड़ने में भी आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाए और इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बटन है, एक बेल बना हुआ है, उसे क्लिक करें ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी हर रोज़ नए नए वीडियो, नए नए टिप्स देखने को मिले। दोस्तों, आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और सुंदर बने रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।